हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आईटी फिटर फाइटर चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एचएल लखनऊ अप्रेंटिसशिप अगर आपको करनी है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो वैकेंसी आती है किस आधार पे क्या प्रोसेस रहता है, आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी आपको मिलेगी ए टू जेड। अप्रेंटिसशिप के लिए क्या स्टाइपेंड रहता है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो वैकेंसी आती है कितने साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए रखे जाते हैं, क्या उसमें स्थाई रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इसके बारे में आज बात करें। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आईटीएफ फिटर फाइटर चैनल है, इसे शेयर कर दीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आईटीआई के लिए जो वैकेंसी आती है अप्रेंटिसशिप के लिए, तो अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर तीन मंथ के बीच में हर साल वैकेंसी आती है और इसमें वैकेंसी फिटर के लिए लगभग 70 से 80 रहती है, सीटों कम ज़्यादा होती रहती हैं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न है फ्रेंड्स, 60 क्वेश्चंस होंगे, 70-50 क्वेश्चंस आपको टेक्निकल रहेंगे और 10 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल रहेंगे। नॉन टेक्निकल में केवल मैथ और रीजनिंग और थोड़ा सा जीके, तो 2-3-4-4 क्वेश्चन मिक्स करके पूछा जाता है। 50 क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल सिंपल होते हैं, जैसे कि आप आईटीआई जब आप पढ़ते हैं कॉलेज में तो बिल्कुल ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए आप रुकमणी की आप केवल बुक पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। अगर पीडीएफ आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दूसरी वीडियो में हम डाल देंगे, तो उससे आप डाउनलोड कर लीजिए। उसको आप अगर पढ़ लेंगे तो आपका अप्रेंटिसशिप जो वैकेंसी आती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आप उस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आप 60 में 50 के ऊपर मार्क्स लाते हैं तो आपका 100% हो जाएगा, अगर पेपर सॉल्व सरल है तो सिंपल है तो। और आगे बात करते हैं कि इसमें क्या काम करना होता है अप्रेंटिसशिप में। जो लोग वहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो उनको अलग अलग सेक्शन के आधार पे काम करता है। अगर आपको लैपिंग सेक्शन मिलता है तो आपको लैपिंग के आधार पे काम करना होता है। लैपिंग में आपको आईडी ओडी, जैसे ओडी को क्या करना होता है, काम करना होता है, आईडी को बढ़ाना होता है, तो ये काम करना होता है। इसके बाद और जो वहाँ पे स्टाइपेंड आपका रहता है, आपका स्टाइपेंड 9700 है इस टाइम और हर साल इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होता है, तो लगभग 300 से 400 रुपये हर साल बढ़ते हैं। तो पिछले साल 9300 था, इस समय 9700 है। तो इसके लिए और बात करते हैं। और हाँ, खाने के लिए आपको वहाँ पे खाने की व्यवस्था, आपको टोकन मिलेगा खाने के लिए और नाश्ते के लिए भी आपको टोकन मिलेगा, और रहने की व्यवस्था आपको नहीं की जाएगी, वो खुद आपको करना होगा, बाहर आपको रूम लेना होगा। तो इसके बारे में ये पूरी डिटेल्स आपको बता दिया है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर वैकेंसी आती है और एग्ज़ाम इसका तुरंत हो जाता है, जैसे कि आज फॉर्म आया तो इस 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा फॉर्म भरने को और 15 दिन बाद ही इसका एडमिट कार्ड जाता है। एडमिट कार्ड आने के 2-3 दिन या 6 दिन आपको टाइम मिलेगा, आपको एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आता है तुरंत 1 दिन बाद रिज़ल्ट भी आ जाएगा, और ज्वाइन जो आपको बुलाते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए, तो 1-2 महीने बाद आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए भी बुलाते हैं। तो इसका बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, तो आप एचएल लखनऊ में अप्रेंटिस कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यहाँ से केवल आपको ये कि यहाँ जब आप एचएल में कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो वैकेंसी आती है, जिसके लिए आप फॉर्म फिलअप करेंगे, तो उसमें आपके फॉर्म जो फ़ीस होगी वो केवल फ्री कर दी जाएगी और इधर से आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, जैसा कि रेलवे में मिलता है 20% की छूट मिलती है। तो एचएल लखनऊ में अगर अप्रेंटिस आप करते हैं, कहीं से भी एचएल में आप अप्रेंटिस करते हैं, तो आपको कोई भी नंबर या एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलता है। तो आप बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो वैकेंसी आती है उस कितने साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है, तो 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। और यहाँ पर जब आप कॉन्ट्रैक्ट पर हो जाएंगे, आपकी जैसे आप ज्वाइन हो जाएंगे, तो जो आपको एक आईडी पासवर्ड मिलता है, आप कंप्यूटर बेस पर देखेंगे कि आपको रिटायरमेंट की जो डेट दिखाएगी आपको 2051, या जैसे आपने 2018 में ज्वाइन किया तो आपको 2051 इसमें रिटायरमेंट दिखाएगा। मतलब ये है कि वहाँ पे आप स्थाई रखे जाते हैं, लेकिन आपको परफॉर्मेंस के आधार पे आपको हटाया जा सकता है। अगर आप 4 साल में आपको जो परफॉर्मेंस अगर आपका ख़राब रहा, आपने अच्छे से काम नहीं किया, तो आपको निकाला जा सकता है। वहाँ पे परमानेंट होता है, परमानेंट वैकेंसी होती है, लेकिन आप इसलिए है कि उनको अथॉरिटी रहती है कि अगर आप कोई भी अच्छे से काम नहीं करते हैं, आप जो भी जॉब दिया जा रहा बनाने को आप नहीं बनाते, तो आपको बाहर करने का उनके पास अधिकार रहता है, इसलिए वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जा रहे हैं। तो हर साल का 4 साल का वो बढ़ता रहेगा, आप 4 साल फिर इसके बाद 4 साल, तो जैसे ही आप काम अच्छा करते रहेंगे तो आपका 4 साल इंक्रीज कर किया जाता है। और इसकी जो सैलरी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, तो इनकी सैलरी है लगभग 35,000 है, और इसकी फिर हर 2-3 साल में आप बढ़ती रहती है। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, तो इसकी जो
पैटर्न है इसका। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन टेक्निकल होता है, 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होता है। इसकी जो वैकेंसी अब फिलहाल जैसे 2018 में आई हुई थी और 19 में भी आई थी, तो इसकी वैकेंसी अब 2020 के जनवरी या फरवरी मार्च अप्रैल में तीन मंथ के बीच में आ सकती है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अप्रेंटिस वालों के लिए आएगी, इनके जनवरी फरवरी में ज्वाइनिंग होगी, तो मार्च अप्रैल में आपका आ सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो एचएल में अप्रेंटिस लखनऊ में आएगी, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, तो वैकेंसी आएगी मार्च अप्रैल में। तो ओके फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई गलती हो वीडियो में हमारे बोलते हो तो उसको भी माफ़ कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा और शेयर कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।